दिल्ली में जहां एक तरफ लोगों ने सीएए का जबरदस्त विरोध किया, वहीं दूसरी तरफ लोग हनुमान चालीसा गाकर सीएए का समर्थन कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता रमेश पहलवान ने एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की धारा 370, तीन तलाक और राम मंदिर निर्माण और सीएए के लिए धन्यवाद किया। साथ ही भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी का भी धन्यवाद किया और कहा कि अभी तक जो भी सरकारें बनी उन्होंने सिर्फ वादे किए, लेकिन पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो वादों को पूरा कर रहा है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने देश हित में जो बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, हम सब उनके साथ हैं और हम मिलकर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाकर दिल्ली वासियों को समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे। इसलिए दिल्ली वासियों को अनुरोध है कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी का समर्थन करें। रहता है मंगल का दिन भी आपको बहुत अच्छा, हम सब मिल के जितने हमारे भाजपा के कार्यकर्ता है सभी यहाँ पे संख्या अधिकारी हमारे सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? दिल्ली को तो ये जी देखो, भगवान के उसमें भी रहेगी, राम मंदिर पर रहेगी, मोदी जी ने राम मंदिर का भी हल करवा दिया है, सब चीज़ चल रही है, जो उतने दिन से नहीं हो पा रही थी 70 साल से, वो राम मंदिर का भी हल हो चुका है। ना हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाइयों में झगड़ा नहीं हुआ, तो प्यार से हो चुका, उनकी भी जगह दे दी गई है, सबको मीडिया आपके माध्यम से सबको जनता को पता चल रहा है। अभी जिस तरह से हमारे देखो दिल्ली में नमक दिख गया 500 रुपये किलो, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे कम हो देश में, उनको कैसे बहका, उनको इस तरह बहकाया जा रहा है कि देखो तुम्हारे भी वो बढ़ गए, वो तो सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए, कुछ लोगों के लिए, हमारे देश के जाति के लिए कुछ हिंदुओं को बाजू धर्म हमारे इसमें सभी भाई बहन के रहते हैं, उनकी बिरादरी रहती है, कोई ऐसा नहीं है। पर हम यहाँ पर बैठे बिहार में काफ़ी टाइम से, जहाँ 25 साल से मैं भी राजनीति कर रहा हूँ, तो हमारे जैसे बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, हमारे पूछते हैं उनसे भाई छुट्टी होती है क्या, हमारे यहाँ से जाना पड़ेगा, हम तो यहाँ काम धंधा कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों को पा रहे हैं। मैंने बोला कोई ऐसे डरने की बात नहीं, सिर्फ आपको डराया जा रहा है और आप उस चीज़ की रेखाएँ बना रहे हैं। ठीक है सर, दी वेरी रेडी। प्रोग्राम और हमने जो हमारे राम जन्मभूमि के ऊपर जो अटैक करने की इन्होंने रणनीति बनाई पाकिस्तानियों ने, उसको उस रणनीति को भी हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया उन लोगों के ऊपर, उनके मंच को पूरी कमी हुई है और हमारा राम मंदिर बने 2020 में, इसलिए हम सब इसकी मनोकामना कर रहे हैं और हमने ये पाठ भी कराया है यहाँ लोगों ने, सब कस्तूरबा नगर वासियों ने, और इसी को लेकर के कि ये राम मंदिर बने और बनेगा और जरूर बनेगा और मोदी जी की छत्र छाया में ही बनेगा, ऐसी हम कामना करते हैं और उसी कामना के लिए ये हनुमान चालीसा है। मैडम देश के अंदर शांति बनी रहे इसके लिए ये हनुमान चालीसा है। तो मैडम बीजेपी की सांसद ने जिस तरीके से अभी कई पार्क को लोकसभा में भी हम लोगों ने देखे थे, कई पार्क ठीक कर दिए हैं, मशीनें लगाई हैं, उसमें बीजेपी काम कर रही है, लेकिन एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शायद लोगों को जुमलेबाजी दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? जुमलेबाजी देने तो झूठों का काम है, तो अंधी बहरी बहरी गूंगी सरकार है, उसने तो अन्ना हजारे को ही धोखा दे दिया था, जिसने अपने जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, तो उसने जब अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दे करके और लोगों से झूठ बोल करके मैं बिजली फ्री करूंगा, नाली सुरक्षा दूंगा और आज तो बस
आज से पहले महिला कहाँ गई थी? आज से पहले क्या तेरे हाथ में था नहीं जो तूने आज ये दो महीने चुनाव के रह गए और तू कहता है कि मैं नारी सुरक्षा दे रहा हूँ? ये तो झूठा आदमी है। हमें इसके विषय में हम सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग ऐसे झूठे इंसान को हमने बाई चांस ने गलती से चेयर पर बैठा दिया और अब गलती से चेयर से इसको उठा कर फेंक देगी।